Good morning, students. I am Inmatu from DAU Public School. I was in the grade class 2nd, subject English, chapter 4, इसका part 4. इसके question answer में आपके question answer 1, 2, 3, 4 complete हो चुके थे. आज करेंगे question number 5. Question number 5. यहाँ पर heading लिखेंगे पहले question number D. Answer these questions. Chapter का नाम है आपका The Christmas Tree. The Christmas Tree. Question number 5. Question number 5 is the little boy had been ill. Who was little boy? इसमें पूछा है कि जब लिटिल बॉय जो था वो बीमार हो चुका था तो इसमें छोटा बच्चा कौन था. आंसर सन ऑफ मिस्टर ब्राउन. मिस्टर ब्राउन का जो बेटा था जो मिस्टर ब्राउन थे वो क्या थे एक गार्डनर थे. सन ऑफ मिस्टर ब्राउन द गार्डनर. Was little boy. Okay. Question number 6. How pretty it looks. In that barrel. Who said? ये किसने कहा था कि how pretty it looks in that barrel? कि ये इस घड़े में इस गमले में कितना सुंदर दिखाई देता है ये किसने कहा था. आंसर नंबर 6 है मॉली सैड. बस इसमें इतना ही लिखेंगे कि मॉली ने कहा था ये. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है हू स्माइल्ड एंड हू सैड. किसने स्माइल किया था और किसने कहा था कि आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लान. ऐसा किसने कहा था. टिम हंसा था और उसने कहा था कि मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्लान है.
यहाँ पर भी लिख देंगे टेक टेक स्माइल एंड सैड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सी एक कंप्लीट कर लेंगे सेंटेंसेस कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस नंबर वन The children put a tree. बच्चों ने ट्री को कहाँ पर रखा था यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है इन अ वुडन बैरल नंबर टू Peter was Mr. Brown's son. Who blank है यहाँ पर आएगा Who often played Tim and Molly. Peter जो था वो मिस्टर ब्राउन का बेटा था जो कि मोस्टली प्ले करता था किसके साथ टिम और मॉली के साथ में नंबर थ्री मिस्टर ब्राउन शूट हिज हेड आया यहाँ पे मिस्टर ब्राउन ने अपना सिर हिलाया था तो ये चैप्टर फोर आपका कंप्लीट हो चुका है यदि आपको इससे संबंधित इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं थैंक्स